हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएएस। दोस्तों हमारे एग्ज़ाम के लिए 3 मंथ बचे हुए हैं, तो लास्ट के 3 मंथ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम के अंदर एक तो 3 फेजेज हैं हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है। एक प्रीलिम्स हो गया हमारा, नेक्स्ट हमारा मेन्स एग्जामिनेशन होगी, एंड देन पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो प्रीलिम्स इसमें से मतलब जो फर्स्ट स्टेज है आपकी प्रीलिम है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और ये अगर क्लियर हो जाता है फिर सेकंड एग्जाम के लिए आपको बूस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो पहले यही स्टेज होती है, इसमें फेल हो जाएं तो उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर जब आप प्रीलिम दोगे फिर से, तो फिर से आपको वही फीलिंग होगी कि क्या यार मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मेन आपको प्रीलिम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा अभी, ठीक है। और आपको पता ही होगा इस बार की सीटें कम हो गई हैं, तो उस हिसाब से 3000 बच्चे कम लिए जाएंगे आपका जो प्रीलिम्स के लिए, मेंस जो भी लिखेंगे उनको 3000 कम लिए जाएंगे, ठीक है। 10000 के करीब बच्चे लिए जाएंगे, तो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि 120 तक जा सकती है, ठीक है। पेपर पे भी डिपेंड करेगा, और बाकी बच्चे ही कम लेंगे तो कट ऑफ ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो अब लास्ट के स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि किस तरीके से करना चाहिए। तो नोटिफिकेशन आ चुकी है इसकी, 7 फरवरी को 6 मार्च तक लास्ट डेट है, तो आपने फिल कर दिया होगा अभी तक। 3 जून को आपका पेपर होगा, 1 अक्टूबर को आपका फिर मेंस एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो मेन सिलेबस देख लेते हैं पहले, और एक्चुअल में फिर पता करते हैं कि एक्चुअल में हर्डल क्या आते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है जब भी आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जैसे आपने अब जितना टाइम आगे जाता रहेगा आपकी एंजाइटी लेवल ऊपर बढ़ती जाएगी, किस तरीके से सिलेबस को पूरा किया जाए। तो प्रॉब्लम देखते हैं एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है, पहले तो हिस्ट्री आई आपकी, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर भी आपकी एंशियंट आ गई, आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल, मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो ये सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। फिर आई जियोग्राफी हमारी, फिर पॉलिटी आ गई, इकोनॉमिक्स आ गई, एनवायरनमेंट हो गया, एंड साइंस आ गई, ठीक है। और इसके अलावा भी जो इस टाइम आपको करने पड़ेंगे, एक तो इकोनॉमिक सर्वे आ गया है वो आपको करना पड़ेगा, इंडिया ईयरबुक करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज़ आप लगा रहे होने, ठीक है। और ऊपर से ऑप्शनल भी हो सकता है अगर कोई ऑप्शनल के लिए कर रहा हो, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसको ऑप्शनल छोड़ देना चाहिए इस टाइम, ठीक है। बाद में प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि 3000 बच्चे वैसे भी कम लेने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपको पुश देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। एंड सी सेट की प्रिपरेशन भी करनी होगी, ठीक है, क्योंकि सी सेट का 2017 का पेपर भी थोड़ा टफ आ गया था, तो थोड़ा बहुत अगर प्रिपेयर किया हो तो काम चल जाता है, ठीक है। तो सिलेबस मेन प्रॉब्लम है हमारी, सिलेबस काफ़ी बड़ा है और आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअल में किस चीज़ को प्रायोरिटी दें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता जाएगा आपको लगेगा कि मुझे ये सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता। जैसे आपने जियोग्राफी एक बार पढ़ ली, उसके बाद आप सोचो कि अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो आपको लगेगा कि यार जियोग्राफी मुझे भूल रही है थोड़ी थोड़ी। उसके बाद सोचो कि पॉलिटी पकड़ूं पहले, इकोनॉमिक्स करूं, एनवायरनमेंट करूं, या साइंस के कर लूं, कहां से करूं। तो नॉर्मल सा यही चीज़ देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं टैकल करने के लिए। एक मतलब जो मान लो आपने एक बार पढ़ भी लिया ये जो कुछ भी यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, तो उसमें से आपको क्या क्या चीज़ें होंगी जो आपको रिवाइज़ करनी है। और एटलीस्ट आपको 3 रिवीजन तो चाहिए इसके लिए, ठीक है। अगर 3 रिवीजन तक तो आपको चाहिए अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। 2 तो एटलीस्ट चाहिए, 3 मैक्सिमम है, मतलब 3 तक आपको, उसके बाद ऊपर आप कितने भी जा सकते हो, 4-5 रिवीजन जितना टाइम है आपके पास, लेकिन 3 रिवीजन तो चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमने देख लिया आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, जियोग्राफी है फिर हमारी, इकोनॉमी हमारी, एनवायरमेंट है, पॉलिटी है, एंड साइंस है। फिर हम टेस्ट सीरीज़ भी करनी होती हैं आपने, मतलब राउंड अबाउट 35-40 टेस्ट सीरीज़ आपको करनी पड़ेंगी जो आपने लगवाई होगी कोई भी टेस्ट सीरीज़, तो वो भी काफ़ी बड़ा टास्क है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज रिवाइज भी करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज़ एक बार कर ली, एक तो पहली बार करने में बड़ा टाइम लगता है, ठीक है, अगर आपने ढंग से करनी हो टेस्ट सीरीज़, क्योंकि उन्होंने टेस्ट सीरीज़ के अंदर ऐसे टफ टफ क्वेश्चन डाल दिए होते हैं कि जो आपने सुने भी नहीं होते, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ वैसे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिससे आपका पता चलेगा आप एग्ज़ाम में कितना स्कोर करोगे, हर टेस्ट सीरीज़ का अलग अलग लेवल होता है। तो अगर आप स्कोर कम भी कर रहे हो किसी टेस्ट सीरीज़ में, मान लो 50 कर रहे हो, ठीक है, 60 कर रहे हो, 70 कर रहे हो, किसी में हो सकता है कि आप 140 के करीब चले जाओ, ठीक है, किसी में हो सकता है कि आप 75 पे अटक जाओ। तो टेस्ट सीरीज़ कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे पता चलेगा आपका कि एक्चुअल में एग्जाम होने वाला है आपका कि नहीं होने वाला है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज से घबराना नहीं है, टेस्ट सीरीज से सिर्फ लर्न करना है, ठीक है, उससे सीखना है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो वो भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 बार तो रिवाइज़ करनी पड़ेगी टेस्ट सीरीज़ भी, ठीक है। फिर हिस्ट्री देख ली हमने क्या है, स्कीम्स आपको करनी पड़ेंगी, स्कीम्स भी 7-8 स्कीम्स तो आएंगी या 10 भी आ सकती हैं, ठीक है। स्कीम्स वैसे मोदी गवर्नमेंट की काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, काफ़ी ज़्यादा चली हुई हैं, HRD मिनिस्ट्री, स्किल मिनिस्ट्री, तो काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स होनी, ठीक है, राउंड अबाउट मतलब 200 से ऊपर ही हैं, 300 तक जा सकती हैं। एंड एनवायरनमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आएंगे जिनको आप इकोनॉमी में जोड़ सकते हो, इकोनॉमी के मोस्टली क्वेश्चन करंट के ही होते हैं, ठीक है। तो वो सिलेबस है, इंडिया ईयर बुक करनी है, सी सेट की प्रिपरेशन करनी है, ऑप्शनल भी हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, क्या पढ़ें पहले, किस तरीके से करना चाहिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देगी, मतलब जो
जिसको मतलब मैं बोलूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है कि आपने पहले स्ट्रेटेजाइज करना है, इन सब चीज़ों को आपने कम करना है, जितनी दिख रही हैं आपको उनको कम करके लेके आना है, ताकि आपको पता लग सके कि एक्चुअल में मैं ठीक जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मतलब एक तरीके से जैसी यहाँ पे 10-12 चीज़ें दी हुई हैं, आपको इनको कम करके 5-6 पे लेके आना है, जिससे आपको पता लग सके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कुछ चीज़ें जो होंगे उनको ऑटो पायलट मोड के ऊपर डालोगे, ठीक है। मतलब उनको थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे डेली हर चीज़ के लिए। जैसे यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं इनको कम करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर 12 चीज़ें हैं इनको कंसोलिडेट करेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन आपको पता लग सके कि एक्चुअल मैं पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूँ, कैसे कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चीज़ करेंगे ऑटो पायलट पे डालेंगे। ऑटो पायलट का मतलब है आपने ये चीज़ें, जैसे स्कीम्स हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं छोटी छोटी हैं लेकिन आपको रट्टा मार के याद करनी पड़ेंगी। स्कीम्स होगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, नेशनल पार्क, रामसार साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, रिवर के ऊपर क्वेश्चन आता है हर साल, मैपिंग के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब आप एक दिन बैठोगे, एक दिन में आपसे प्रिपेयर नहीं होने वाली। स्कीम्स आपको एक दिन के अंदर पूरी याद नहीं होने वाली, और या आप पूरा हफ्ता लगा दो इनके लिए, तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है इनको याद करने के लिए, ठीक है। और नंबर इनके देखेंगे तो 30%, मतलब मान लो 30 अगर क्वेश्चन आ जाते हैं यहीं से, या मान लो 25 तक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपके 50 नंबर सीधे टैकल हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। 50 नंबर का मतलब है कि पूरा एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम का पूरा रुख ही बदल सकते हो आप। बाकी स्टैटिक से अगर आपने 50-60% अचीव कर लिया, तो यहाँ से आप मतलब क्लियर कर सकते हो। तो बेसिक आपको ये चीज़ें याद करनी है, और ये एक दिन के अंदर नहीं होती कि आप इनको एक दिन में बैठोगे और एक दिन में करोगे, एक बार करोगे, 7 दिन मान लो आपने 3-4 दिन में रिवाइज़ कर ली स्कीम्स, उसके बाद एक महीना आप इनको छोड़ोगे फिर से भूल जाएंगी आपको। तो ये ऐसे नहीं होता इनकी प्रिपरेशन, ये चीज़ें याद भी नहीं होती कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन सी चीज़ कहाँ पे सेशन हुआ था उसका। तो ये चीज़ें एक बार में याद नहीं होने वाली। जैसे हमने देखा यहाँ पे मान लो 12 चीज़ें हैं, तो 12 चीज़ों को कम करके हमने नीचे लेके आना है। तो अब बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे इन चीज़ों सबको कंसोलिडेट कर देंगे। जैसे हमारे पास 6 चीज़ें होगी यहाँ पे, इसमें आप कुछ और भी डाल सकते हो, कोई और आपको चीज़ लगती है जो इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक आइडिया है आपको। आपने क्या करना, 1 घंटा निकालना दिन में से, हर दिन मतलब अब से लेके प्रीलिम तक 1 घंटा डेली इन 6 चीज़ों पे फोकस करना, ठीक है। आपने नोट्स बनाए हो, कुछ भी बनाया हो, उनमें क्या करना, एक दिन मतलब 1 घंटा आपने निकाला हुआ है, उसमें से 15-15 मिनट इन 3 चीज़ों को, मतलब 45 मिनट में पहली 3 चीज़ें की, नेक्स्ट डे क्या करना है 45 मिनट में ये चीज़ें करनी है। और ये ऑटो पायलट पे होगा, मतलब आपको इसको, ये नहीं है कि आपको इसको स्ट्रैटेजी बनानी है कोई, ये कंटिन्यू जब तक प्रीलिम ना हो जाता तब तक 1 घंटा डेली निकालना है इसके लिए। और 1 घंटा जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देने वाला है, मतलब ये जो चीज़ें होती, यही आपका जो मेन एग्जाम होगा उसी में यही चीज़ें तय करेंगी आप इन होंगे कि ऑट, बिकॉज स्टैटिक पोर्शन है वो कोई भी कर लेगा, स्टैटिक पोर्शन सबने किया होता है, उसमें आप मतलब ज़्यादा आपकी कैपेसिटी नहीं है। एक लेवल आएगा सैचुरेशन लेवल, उससे ऊपर आप स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। टफ क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी तरीके के आ सकते हैं, लेकिन आपने अगर ब्रॉड व्यू में सब कुछ कवर किया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा मान लो आप उसी में से 50-60% अगर सभी में से अचीव करोगे तो आपका प्रीलिम हो जाएगा। तो इनको आपने ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया, अब आपको पता चल गया अब आपकी चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। अब मेन सिलेबस बचा, ये चीज़ें आपने डाल दी। अब मेन सिलेबस में बची हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी होगी हमारी, साइंस एंड टेक होगी, एंड एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर यहाँ पे भी आ जाएंगे, लेकिन बेसिकली ये हमने कंसोलिडेट कर दिया। अब आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ से टैकल कर पाओगे, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से मैं करूँगा इनको। अब थोड़ा सा पैटर्न देखते हैं, हिस्ट्री के अंदर हैं 2011 में 11 क्वेश्चन आए थे, 19 आए थे, हिस्ट्री में सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, एंशियंट है, आर्ट एंड कल्चर है, मेडिवल है, मॉडर्न है, ठीक है। 11 आए थे, 19 आए थे, 16 हो गए, 20 हो गए, 17, 15, 14, मतलब मोस्टली कितने आ सकते हैं, 20। तो 20 में से क्या होगा, जब ये 20 आए थे तो यहाँ पे क्या था, 8-10 क्वेश्चन मॉडर्न के थे, ठीक है। तो मॉडर्न आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। 8-10 क्वेश्चन आपके मॉडर्न के आ गए, बाकी जो हैं आपके पीछे फ्लक्चुएट करते रहते हैं, एंशियंट में, आर्ट एंड कल्चर में, मेडिवल में, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गई हमारी, फिर नेक्स्ट आ गया जियोग्राफी। जियोग्राफी में 2011 में 11 क्वेश्चन, फिर 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन एंड 9। तो इसमें जियोग्राफी के अंदर मैपिंग वगैरह भी आ जाती है, जो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर ली पीछे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें एक दिन के अंदर याद नहीं होने वाली आपको, तो इनको आप डेली फोकस करो। या तो आप ये कर सकते हो, आपने 1 घंटा दिया इनको, 10-10 मिनट सब कुछ पढ़ लिया, या आप ये कर सकते हो 2 चीज़ें एक दिन पढ़ लिया आधा घंटा, 2 चीज़ें नेक्स्ट अगले दिन पढ़ लिया आधा घंटा। स्कीम्स में जैसे मान लो आपने 5 स्कीम एक दिन में कवर की, 5 ऑर्गेनाइजेशन की, 5 एनवायरनमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की, फिर 5 नेशनल पार्क कर लिए, 1 रिवर कर ली कोई भी उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ में, मैपिंग की किसी पर्टिकुलर एरिया की, तो उस तरीके से करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद ही हो जाएंगी जब तक प्रीलिम आएगा। और यही सबसे बड़ा अस्त्र होगा आपका जो एग्जाम के अंदर चलाओगे आप। फिर नेक्स्ट आया पॉलिटी। पॉलिटी में 12, 14, 16, फिर 14, 13, 7 और 22,
तो जरूरी नहीं है कि पोलिटी अगली बार भी 22 ही आएंगे, हो सकता है कि पोलिटी के 5 ही क्वेश्चन आए, तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। बट मोस्टली जो क्वेश्चन फ्लक्चुएट होंगे वो इन्हीं सब्जेक्ट में होंगे जो कोर सब्जेक्ट हैं, एक जियोग्राफी हो गया, पोलिटी हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है, या आपका एनवायरमेंट हो सकता है, इन्हीं के अंदर ही फ्लक्चुएट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, मतलब इन्हीं में किसी ना किसी की परसेंटेज चेंज होकर आगे पीछे आएगी। तो मतलब जरूरी नहीं है पोलिटी आएगी फिर से, तो उसके लिए आप डीडी बस ऊपर ने लगो, लक्ष्मीकांत इनफ है, उससे ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो हो जाएगा। इकोनॉमी के मोस्टली मतलब क्वेश्चन ज़्यादा ही आ रहे हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि अच्छी, मतलब ये जो यहाँ पे डिवीज़न किया हुआ है ये ठीक है, इसमें आगे पीछे हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको बस ट्रेंड पकड़ना है। इकोनॉमी के क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं, करंट अफेयर जोड़ेंगे तो इकोनॉमी के मतलब 20 से ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक में 19 आ गए थे 2011 में, फिर 9 आए, 14, 16, 8, 8 और 9। साइंस एंड टेक मोस्टली करंट अफेयर से आती है, ठीक है। फिर एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट तो IFS का पेपर मिला हुआ है तो एनवायरनमेंट की परसेंटेज तो बढ़ेगी, ठीक है, एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। फिर करंट अफेयर है, करंट अफेयर इनके अंदर भी इंक्लूडेड है और ऐसे भी अबार। तो देख लेते हैं पहले कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले इकोनॉमी की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर मोस्टली क्या आएगा, करंट अफेयर आएगा और इकोनॉमिक सर्वे भी आप इसी के साथ जोड़ देना, ठीक है। और जैसे आपने रिवाइज करना है तो रिवाइज मरनाल के साथ कर लेना, मरनाल की वीडियो आने वाली है थोड़े टाइम में, इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस आएंगी, उसमें वो थोड़ा करंट अफेयर भी डाल देता है, ठीक है। तो एक तो आपने करंट अफेयर खुद कवर कर लेना और ऊपर से मरनाल के साथ में आपने आपकी जो मतलब पहले से नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं कुछ भी है वो रिवाइज कर लेना मरनाल के साथ में। फिर एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट कवर कर लेना, उसके बाद एनवायरनमेंट की वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर पॉलिटी कवर कर ली, फिर जियोग्राफी कवर कर ली, फिर मॉडर्न किया, और मतलब आपको क्या करना है ये चीज़ें प्रायोरिटी में कवर करनी है। एंशियंट जो है, मान लो आपका 2 ही बार रिवाइज हुआ आर्ट एंड कल्चर, इसमें से मेडिवल छूट गया, मेडिवल छूट भी जाए तो कोई चक्कर नहीं है, आर्ट एंड कल्चर पे भी ज़्यादा फोकस ना करें तो ठीक है, बट एंशियंट आपने कवर कर लेनी है, मॉडर्न आपने कवर करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इनके ऊपर नॉर्मल सा फोकस कर लेना, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, या मेडिवल पढ़ना होगा तो वो भी पढ़ लेना थोड़ा बहुत, लेकिन जब रिवाइज करने की बारी आएगी, लास्ट का टाइम आएगा, तो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बेसिकली आपको इसी पैटर्न के अंदर जाना है जो, और साइंस के लिए सिर्फ करंट अफेयर कवर करने हैं, क्योंकि मोस्टली ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन साइंस के करंट अफेयर से आते हैं, ठीक है। तो इंडिया ईयरबुक के लिए क्या करना है, इंडिया ईयरबुक में भी एक चैप्टर होता है साइंस का, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने इंडिया ईयरबुक जरूरी नहीं है खुद पढ़ लेनी पूरी बुक, वो टाइम वेस्ट होता है। इंडिया ईयरबुक जरूरी नहीं है कि वहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बाकी ऐसा नहीं होता डायरेक्टली कि आपको इंडिया ईयरबुक के अंदर क्वेश्चन मिल गया तो मतलब वहीं से उठा के डाला हुआ है। क्वेश्चन जो इंडिया ईयरबुक के अंदर है वो पूरा साल पहले भी हुआ है यहाँ पे, तो और भी चीज़ों जगहों से कवर किया होना आपने, ठीक है। तो ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, उसके लिए बेसिक आप क्या कर सकते हो, वीडियोज़ वगैरह आती हैं काफ़ी यूट्यूब पे, अनअकैडमी के ऊपर आएंगी, वहाँ से जो अच्छी लगे आपको वो वीडियो देख लेना। अनअकैडमी पे कुछ ख़राब वीडियोज़ भी होती हैं उसकी, लेकिन YouTube पे अगर कोई चैनल वगैरह हो उसके ऊपर अगर वीडियो डालते, जैसे ओनली IAS वाली वीडियो थी लास्ट ईयर की, वीडियोस उनकी काफ़ी अच्छी हैं, अगर इस बार भी इंडिया ईयरबुक डालते हैं वो, तो वो अच्छी वीडियोस होंगी, वो देख लेना आप, ठीक है। मेनली वीडियो से कवर करना, खुद पढ़ने मत लगना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा वो, अगर ना बचे टाइम तो छोड़ देना उसको, कुछ खास नहीं होने वाला उससे, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे तो आपको करना ही पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे का मरनाल के साथ में कवर करना उसको, अगर मरनाल बोलेगा पढ़ने के लिए तो वो चैप्टर पढ़ लेना उससे, ठीक है। एंड और आपने जब रिवीजन करना है तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट साथ में पकड़ो, क्यों, पहले हमने देखा कि 12 सब्जेक्ट थे, 12 थे टोटल, फिर उसमें से मान लो हमने 6 को ऑटो पायलट पे डाल दिया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ऑटो पायलट पे डाल दिया, जो 30% कॉन्स्टिट्यूट कर रही थी, ठीक है। फिर आपके पास 6 सब्जेक्ट बचे, अब 6 में भी क्या होगा, अगर आपने एक एक पकड़ते हो एक टाइम के ऊपर, जैसे आप मान लो आपने एक दिन 4 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर आपने मान लो 1 हफ्ता या 10 दिन लगा के उसको रिवाइज कर लिया, तो क्या होगा, जब उसकी बारी फिर से आएगी, फिर से कब आ रही है उसकी बारी, 60 दिन के बाद या 50 दिन के बाद, तो आपको फिर से भूल गया होगा वो। तो अगर आप एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट पकड़ोगे तो आपके अगर 6 पार्ट हैं यहाँ पे, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, पॉलिटी, जियोग्राफी, मॉडर्न, एंशियंट, तो इनमें से 2 अगर एक टाइम पे पकड़ोगे तो बाकी 4 ही बचते हैं। जब फिर से आप घूम के आओगे तो काफ़ी कम टाइम में मतलब आपको रिवाइज रहेगा वो, ऐसा नहीं होगा कि आप भूल जाओगे, तो एक टाइम में 2 सब्जेक्ट पकड़ लेना, ठीक है। और एक रफ सा टाइम टेबल बता देता हूँ मैं, टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाते हैं सभी, लेकिन मैं ऐसे रफ सा बता देता हूँ आपको क्या क्या करना चाहिए। तो एक तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है आपकी, तो उसके लिए तो 2 आवर डेली दो, या 2 आवर नहीं दे सकते तो ऐसा करो एक दिन टेस्ट सीरीज रहने दो करने के लिए, नेक्स्ट डे उसको 4 आवर दे दो, ठीक है। कई बार टेस्ट सीरीज को ज़्यादा टाइम भी लग जाता है अगर आपने नोट करके रखनी हो, उसके बाद रिवाइज भी करनी पड़ेगी ये, तो टेस्ट सीरीज कवर कर लेना पहले ही जल्दी जल्दी, उसके बाद रिवाइज करनी पड़ेगी आपको, 2-3 बार तो रिवाइज करनी पड़ेगी टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज से भी इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन फंस जाते हैं। अब मान लो आपने 35 टेस्ट सॉल्व किए तो उसमें भी 100-100 क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। तो वो मतलब उस तरीके से वो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन फंस जाते हैं पेपर के अंदर में, तो अगर आपने रिवाइज किए हो 2-3 बार तो आपको काफ़ी हेल्प रह जाती है उससे। और 4 घंटे आप स्टैटिक कवर कर सकते हो, फिर 2 घंटे में या तो न्यूज़पेपर और साथ में करंट अफेयर, जो पिछले मतलब जो
मई 2017 से लेके आगे तक है, तो वो करंट अफेयर कवर कर लेना साथ साथ में, ठीक है। लास्ट के टाइम में क्या करना है, लास्ट के टाइम में आप करंट अफेयर के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मार सकते हो, मतलब ऐसे साथ में 2 आवर लगा दिए आपने, 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, 1 घंटा करंट अफेयर कर लिया। अगर यही स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे आगे 60 दिनों तक, तो आपके करंट अफेयर अच्छे हो जाएंगे। मतलब डेली अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ोगे तो उससे याद रहेंगी वो चीज़ें। अगर इन्हीं चीज़ों को आप 1 दिन पढ़ोगे उसके बाद 10 दिन बाद फिर पकड़ रहे हो तो आपको भूल जाती हैं चीज़ें। 1 आवर आपने जो ऑटो पायलट सब्जेक्ट हैं आपके, 6 सब्जेक्ट मैंने बताए, उनके लिए आपने लगा देने हैं। आप उसमें कोई और भी डाल सकते हो, जैसे पॉलिटी है। पॉलिटी को ऐसा होता कि कई बार ये कवर नहीं होती 7 दिन के अंदर, इसको 15 दिन 20 दिन भी लग जाते हैं पॉलिटी कवर करने में। तो पॉलिटी को भी आप 1 घंटा डेली दो, 60 दिन के लिए पॉलिटी को ऑटो पायलट पे डाल दो, पॉलिटी धीरे धीरे कवर होती रहेगी आपकी, 1 सब्जेक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर इकोनॉमी और एनवायरनमेंट कवर करो 2-2 घंटे, मतलब 3 सब्जेक्ट आके इकट्ठे स्टार्ट हुए हैं एक साथ। फिर जियोग्राफी पकड़ लो, मॉडर्न साथ में पकड़ लो, उस तरीके से कवर करो, ठीक है। और आपका जैसे 90 डेज बचे हमारे, ठीक है, एक जैसे मार्च 1 से 90 डेज बचे, तो किस तरीके से, एक रफ सा आइडिया देता हूँ मैं। यहाँ से मान लो आपने 1 से लेके आपका पूरा मार्च हो गया और अप्रैल 10 तक 40 दिन हुए हमारे, और फर्स्ट रिवीजन आपने मार दिया इसमें, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन मारा, पहले पूरा सिलेबस का रिवीजन मार लिया फर्स्ट रिवीजन। सेकंड रिवीजन जब करोगे तो 10 अप्रैल से लेके 15 मई तक, तो आपको 25 डेज बचे, ठीक है। 25 डेज के अंदर आप रिवीजन मारोगे सेकंड, उसके बाद आपका अगला रिवीजन होगा वो 15 दिन के अंदर होगा, मतलब 3 रिवीजन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया यहाँ पे, स्कीम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आप डेली पढ़ रहे हो, ठीक है, ये तो आप कवर कर ही रहे हो, इसको 90 डेज कंटिन्यू रखना है और इसकी आपको काफ़ी अच्छी आउटपुट मिलेगी। बाकी सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर करने हैं, इससे आपको ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कौन सा सब्जेक्ट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप एक साथ काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे होने और इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 1 घंटे के अंदर काम करना है, तो आपको ऐसा भी नहीं होगा कि मेरा कुछ छूट गया। फिर इनके अंदर अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो रहा था, 40 डेज मिल रहे थे, सेकंड में 25, तो आपको जल्दी कवर करना पड़ेगा, और थर्ड के अंदर सिर्फ 15, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब लास्ट रिवीजन मारोगे तो लास्ट में पूरा रिवीजन नहीं मारते सब्जेक्ट जो है, पूरा रिवीजन कोई भी नहीं कर सकता, मतलब जितने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं 15 दिन के अंदर रिवाइज नहीं होगा, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, जब आप सेकंड रिवीजन मार रहे हैं तो उसमें आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको नोट कर देना है, बाकी चीज़ें कुछ चीज़ें मतलब रिमूव करते जाना है, एक तरीके से फिल्टर करते जाना है जब नीचे की तरफ आ रहे हो। और जब यहाँ तक पहुँचोगे तो आपका फिल्टर हो जाना चाहिए सब कुछ, सिर्फ आपको पता होना चाहिए मेरी कौन सी चीज़ मुझे आती है कौन सी नहीं आती, ठीक है। एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको, सिलेबस कैसे कम करके यहाँ पे मतलब काफ़ी कम कर देना है ताकि आप 1 दिन के अंदर 1 सब्जेक्ट रिवाइज कर सको। ये हो जाता है आपको बस बेसिकली क्या करना है, जैसे मान लो इकोनॉमी का एग्जाम्पल लेते हैं, इकोनॉमी में टॉपिक हैं बैंकिंग, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर। तो आपने क्या देखना, आपने देखना कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है। अगर बैंकिंग आपका आपने देखा सेकंड रिवीजन के अंदर बैंकिंग के क्वेश्चन मेरे टेस्ट सीरीज के अंदर अच्छे हो रहे हैं, उसमें से देखना कौन सी चीज़ मुझे नहीं आ रही, उसके ऊपर टिक लगाई, सिर्फ वही रिवाइज की, बाकी पूरा बैंकिंग छोड़ दिया उस टाइम, लास्ट का जो रिवीजन होगा उसमें, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिवाइज नहीं कर सकते आप। अगर ऐसा करोगे तो लास्ट के टाइम में भी आप 2 बार रिवीजन कर पाओगे एक्स्ट्रा। फिस्कल पॉलिसी में देख लिया कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिस्कल पॉलिसी फिर से पढ़ेंगे, पूरी पढ़ लेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर अच्छी है तो इसको छोड़ दो, लास्ट रिवीजन छोड़ दो इसका। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो कौन सा टॉपिक आपको भूल रहा है, ठीक है, और जो चीज़ें भूलने वाली हैं वो तो आपने पहले ही ऑटो पायलट पर रखी हैं तो उनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ये मॉडर्न के नोट्स हैं मेरे, इनमें क्या करना, जैसे मान लो पूरे यहाँ पे नोट्स बने हो पहले रिवीजन के अंदर तो मैं पूरा रिवाइज करूंगा इसको, सेकंड रिवीजन आएगा सेकंड में भी मैं इसको मतलब जो कुछ चीज़ें मुझे याद होंगी सेकंड में फटाफट रिवीजन मार लूंगा और सेकंड में नोट भी कर लूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लगा दूंगा कि ये जो यहाँ पे लगा दिया मैंने कि ये वाला टॉपिक मुझे आ नहीं रहा था, ठीक है, जैसे 1945 जुलाई का कोई टॉपिक है वो मुझे आ नहीं रहा था तो उसके ऊपर लगा दिया कि ये मैं रिवाइज करूंगा और ऊपर वाली चीज़ें मुझे याद हैं, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें भूलती भी नहीं है इतनी ज़्यादा, 2 बार रिवीजन मार लिया। फिर नेक्स्ट में आपने क्या किया, फिर से गए इसके अंदर चीज़ें देखी कौन कौन सी चीज़ें मुझे भूल रही हैं, लास्ट के टाइम में वो रिवीजन कर लिया। अगर ऐसे करेंगे तो आप फिर 2-3 घंटे के अंदर भी आप एबल होंगे कि आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपने वही चीज़ें रिवाइज करनी जो इंपॉर्टेंट है वहाँ से, ठीक है। बाकी की चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं उनको काट देना, इनको रिवाइज नहीं करना लास्ट के टाइम में, तो इससे आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई और आपको मतलब क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। और टेंशन नहीं लेनी है जो सीट्स वगैरह कम हुई हैं, उसका ये नहीं होता कुछ भी कि आप सोचोगे कि मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ तो उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम होगी। मतलब जो बच्चे 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 3 साल से या 4 साल से, वो कुछ ज़्यादा ही करके आएंगे एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट टाइमर होता है वो फर्स्ट टाइम बेस्ट अटैम्प्ट होता है, उसमें जोश भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो और इसमें कुछ नहीं होता ऐसा कि जो सेकंड और थर्ड वाले हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है आपसे, नॉलेज सेम ही रहेगी, बस आपको कूल रहना है लास्ट के टाइम में, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है उसकी कि 3000 बच्चे कम लेंगे, किसी का भी हो सकता है। पिछली बार 2017 के अंदर वो बच्चे भी रह गए जिनका मतलब जो IPS वगैरह IRS वगैरह सेलेक्ट हुए हैं पहले, तो वो इसी मैं रह गया कि काफ़ी ईजी आया पेपर आएगा हम तो अच्छे से कर लेंगे, तो वो बंदे भी रह गए और जो फर्स्ट टाइमर थे उनमें कई फर्स्ट टाइमर भी निकल गए। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, और कोई स्पेशल क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप। थैंक यू।